मिस्टर मौसम सिंह सीटीटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कि आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और कोई भी एप्लीकेशन आसानी से इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अपना ओपन करेंगे तो आपके सामने कई एप्लीकेशन दिखाई देंगे। दोस्तों आप इसमें से कोई एक एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन को सेलेक्ट करता हूँ। अब नीचे देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला है इंस्टॉल और दूसरा शेयर। आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन की तरह मैसेज मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट रिक्वायर्ड। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला है सिंक इन, दूसरा है कैंसिल। आप सिंक इन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सिंक इन पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, सिंक इन और क्रिएट वन। अगर आपके पास पहले से आउटलुक पे अकाउंट बना है तो आप सिंक इन ऑप्शन पे क्लिक करके वहाँ पे आप अपने अकाउंट को इंटर कर दीजिए। अगर आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है तो आप क्रिएट वन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं क्रिएट वन पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया है क्रिएट अकाउंट। सबसे पहला है फर्स्ट नेम, चलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम इंटर कर देता हूँ। उसके बाद दिया है सरनेम, आप यहाँ पे लास्ट नेम इंटर कर दीजिए सरनेम में। उसके बाद यूजर नेम, यूजर नेम में दोस्तों एक ऐसा नेम सेलेक्ट कीजिए जो पहले कोई आउटलुक में चूज न किया हो। चलिए मैं यहाँ पे यूजर नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद डोमेन में देखिए outlook.com दिया है। अगर आपको आउटलुक पे क्रिएट करना है अकाउंट तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपको हॉटमेल पे अकाउंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। अब मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद यह है पासवर्ड। पासवर्ड में दोस्तों ध्यान रहे नंबर सिंबल करेक्टर तीनों चीज़ इंक्लूड होने चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे एक पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। ये मैं सिंबल इंटर कर दिया और ये मैंने करेक्टर। उसके बाद री इंटर पासवर्ड है, आपको दोबारा से ऊपर वाला पासवर्ड सेम इंटर करना है। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों अकाउंट डिटेल आ गया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करनी है। चलिए मैं यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया। सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में पहला है डेट, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको मिलेगा सिक्योरिटी इन्फो में, सबसे पहला बॉक्स मिलेगा कंट्री कोड। यहाँ पे आप अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लीजिए, +91 मेरे कंट्री का कोड है, ये मैंने अपने कंट्री कोड सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद फ़ोन नंबर अपना इंटर कर दीजिए। और उसके बाद नीचे दिया है एक अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस, यहाँ पे एक अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा प्रेफरेंस, कुछ नहीं, अगर आपको इसमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सिक्योरिटी इन्फो में आएंगे, वहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट दिया जाएगा और उसे नीचे वाले बॉक्स में इंटर करना है। चलिए मैं इस टेक्स्ट को नीचे वाले बॉक्स में इंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए।
दोस्तों यहाँ पे आपको एक नीचे बॉक्स मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा लास्ट 4 डिजिट ऑफ फ़ोन नंबर। आपको यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर का लास्ट डिजिट इंटर करना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर का लास्ट डिजिट एंटर कर देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन नंबर पे एक कोड सेंड होगा, आप उस कोड को यहाँ पे इंटर कर दीजिए। चलिए मैं उस कोड को एंटर कर देता हूँ, 03971103। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। बैकअप ले लेता हूँ। यस, ये देखिए दोस्तों, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आप कोई भी एप्लीकेशन आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप आसानी से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। अब मैं इसे बैक कर देता हूँ। थैंक यू दोस्तों माय वाचिंग वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।